गाड़ी अभी हम लोग मैनुअल ड्राइव कर रहे हैं, ये मैनुअल जब हम ड्राइव कर लेंगे तो उसके बाद AMT भी ड्राइव करेंगे, ये मैनुअल गाड़ी है, ठीक है। और ये ड्राइव करने के बाद जो टाटा ने डायना प्रो दे रखा है और बोल रखा है कि लेटेस्ट जनरेशन की इसमें इंजन है तो सेम 1.2 जो टियागो में अल्ट्रोज में, लेकिन लेटेस्ट जनरेशन बोला है, इसका मतलब कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। ड्राइव करने के बाद आपको बताने वाले हैं। यही नहीं, जो हमारे पशांग भाई हैं, यहाँ देखिए ये अल्ट्रोज ड्राइव करते हैं तो ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अल्ट्रोज से कितना डिफरेंट है। ये हमारे अविरल भाई, ये काइगर AMT ऑन करते हैं, जब हम AMT चलाएंगे तो वो बताएंगे कि कितना डिफरेंस है, कौन सा अच्छा। तो जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोग के लिए धीरे धीरे हम लेके आने वाले हैं। फिलहाल इसको ड्राइव करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ड्राइव में कैसी है, गियर कैसा है और इसके सस्पेंशन कैसे हैं, इसका हैंड ब्रेक कैसा है, AC कैसा है, सब कुछ हम लोग आपको बताने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ड्राइव करने के बाद जो कंक्लूजन है वो हम आपको बताते हैं। जैसे टाटा ने बोला था कि इसमें डायना प्रो है, नई टेक्नोलॉजी है और मानता हूँ कि सेम इंजन है 1.2 जो अल्ट्रोज में भी आता है, टियागो में भी आता है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये लेटेस्ट जनरेशन का, जैसे कि आपको बताया विद टाइम सब कुछ इम्प्रूव होता है ना, तो हमें लगा था कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा इसमें, और हालांकि थोड़ा बहुत है इम्प्रूवमेंट इसमें। डायना प्रो जिन्होंने बोला है वो खास नज़र नहीं आता जब आप ड्राइव करते हो, लेकिन जब टियागो और अल्ट्रोज से अगर कंपेयर करोगे, क्योंकि सेम इंजन है, तो उससे थोड़ी सी बेटर आपको लगेगी जो इनिशियल जब गाड़ी उठती है, जो अल्ट्रोज में पहले इश्यूज थे उसके बाद जो अपडेट किया था उन्होंने AL03 AL04, उसके बाद गाड़ी में जो इम्प्रूवमेंट हुए थे ये पहले से ही इसमें आता। तो गाड़ी जब चलाओगे तो इसके जो इसका जो लो एंड है आपको चलाने में प्राइस के हिसाब से, अगेन मैं बोल रहा हूँ प्राइस के हिसाब से आपको ठीक लगेगा, और जो हाई एंड है थर्ड गियर फोर्थ गियर में गाड़ी जब खींचना चाहते हो तो ओके चलती है, मतलब जो गाड़ी खींचनी चाहिए वैसी नहीं खींचती इसमें। और जैसे कि टाटा माना जाता है जो इसका सस्पेंशन है टॉप नॉच है, बहुत लोगों ने बोला था, जैसे क्वेश्चंस मैंने जब आप कम्युनिटी पोस्ट डाला था बहुतों ने पूछा था कि इसको निक्सॉन से भी कंपेयर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निक्सॉन भी देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि पंच आ जाए, तो देखो क्या पता थोड़े पैसे बच जाएँ और पंच में वो पैसे इन्वेस्ट करें। तो अगर निक्सॉन से बात करें, सस्पेंशन वगैरह ठीक है, सस्पेंशन आपको अच्छे लगेंगे इसमें, निक्सॉन की तरह ही लगते हैं, बहुत बाउंसी नहीं है जब चलती है तो रोड में जो गड्ढे हो आपको फील नहीं होते, सस्पेंशन इसका काफ़ी बेटर है। स्टेयरिंग की बात करें, जैसे टाटा माना जाता है सस्पेंशन गाड़ियों में अच्छे निकालने शुरू कर दिए हैं, और जो इसका स्टेयरिंग है टाटा माना जाता है कि स्टेयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा होता है, अल्ट्रोज का अभी तक बेस्ट है, तो इसका स्टेयरिंग फीडबैक अच्छा है, लेकिन अल्ट्रोज की तरह अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है, कुशन नहीं है, हो सकता है इस पर्टिकुलर गाड़ी में थोड़े से मुझे ब्रेक हार्ड लगे हो, लेकिन लगता है टू द पॉइंट, लेकिन जो कुशनी फील आता है निक्सॉन में वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगेन गाड़ी आई डोंट नो खड़खड़ करती है, नई गाड़ी है बिल्कुल, और नॉर्मल रोड पे बिल्कुल कुछ नहीं होता, लेकिन हल्की सी भी कच्ची रोड आती है ना ऐसे लगता है कि हम कोई नाम नहीं लूँगा किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर की गाड़ी चला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है खड़खड़। आवाज़ सुनिएगा, अभी कच्चे रोड पे हम लोग, जब नई गाड़ी में ये हाल है तो गाड़ी जब थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो आपको थोड़ा मज़ा नहीं आने वाला है थोड़ी परेशानी आपको लगेगी कि हाँ नॉइजी हो गया। आई डोंट नो वाई, हो सकता है कि देखिए जो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है तो हर किसी मैन्युफैक्चरर के पास ये प्रेशर है कि गाड़ी निकालें तो अच्छे प्राइस में निकालें और गाड़ी अच्छी निकालें, ठीक है। तो टाटा की भी कोशिश है, मुझे लगता है जब इसकी सेफ्टी रेटिंग की टेस्ट होगा इसका NCAP का, ये 4 आ सकता है इसमें, और जो बिल्ड क्वालिटी ना थोड़ी सी हल्की लगी मुझे अल्ट्रोज से कंपेयर करो, टियागो से कंपेयर करो, टियागो फैंटास्टिक, टिगोर फैंटास्टिक फील होती है, दरवाजा खोलते हो बंद करते हो, जब नॉक नॉक करते हो ना टीन जो उसके बॉडी शेल को, तो नॉक बैक नहीं करती, लेकिन इसमें नॉक नॉक करते हैं ना उतने ज़ोर से कहता है यस यस यस, तो टीन की क्वालिटी थोड़ी हल्की की है। बोनट जब खोलते हो आप तो लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, मतलब बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जब आप पीछे का जो बूट्स जो दरवाज़ा खोलते हैं ना तो आपको लग जाता है कि थोड़ा सा हल्का कर दिया उन्होंने। दरवाजे भी अगेन थर्ड जो मिलता है आपको वो थर्ड टियागो और अल्ट्रोज की तरह नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हल्का क्वालिटी हो गया। हालांकि अगर हम डैशबोर्ड की बात करें
फैंटास्टिक फील होती है, लुक अच्छा है इसका। सेंट्रल कंसोल अगर दे दिया होता, अब बहुत कुछ आप हैरियर की तरह बनाना चाह रहे हो, निक्सॉन की तरह बनाना चाह रहे हो, सेंट्रल कंसोल थोड़ा सा यहाँ पे दिया होता, यहाँ पे मिडिल वाला हल्का सा कुछ भी तो अच्छा लगता, यहाँ खाली दे दिया तो फिर अगेन टियागो वाली याद दिलाता, तो वो थोड़ा सा मजा खत्म कर देता। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो इन्होंने स्पेस दिया, थर्ड पार्टी आप वायरलेस लगा सकते हो बड़ी जगह, आपका हाथ अटकता नहीं जैसे निक्सॉन में अटकता, ये प्लस हो गया। डैशबोर्ड जैसे बोला था दिखने में काफ़ी अच्छा है, बोनट आपको दिखता है, लेकिन डैशबोर्ड की क्वालिटी भी आपको अच्छी फील होगी, लगेगा कि जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाली है उसे आपको लगेगा कि ठीक ठाक है। एकदम नई गाड़ी है ना, नया नया बायर है जो गाड़ी खरीद रहा है पहली बार, तो उसके लिए बहुत फैंटास्टिक गाड़ी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई गाड़ी चला रहा है पहले से ही, कोई अगर कोई हुंडई की गाड़ी चला रहा है, पावरफुल या मारुति की गाड़ी चला रहा है, अगर आप जो अगर आप कंपेयर करोगे इंजन को, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अगेन टाटा आपको पता ही है, थोड़ा सा वाइब्रेशन और थोड़ा सा नॉइजी साइड में ये है, लेकिन अगर आपको लुक चाहिए गाड़ी में, लुक आपने देखा यार फैंटास्टिक है, मैं तो कायल हो गया हूँ, आई रियली लव द लुक ऑफ दिस कार। मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी, एक नया नाम निकाला टाटा ने, मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से लुक इसका बहुत फैंटास्टिक है, आगे से आपको प्यार हो जाएगा, आप शादी कर लोगे, साइड से देखोगे तो लगेगा कि यार ठीक ठाक है, पीछे से भी बहुत बुरी नहीं लगती है। तो जिसको लुक चाहिए ना और इंजन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। और मैं इसका हाईलाइट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसका हाईलाइट है ना, सस्पेंशन चुंबेश्वरी है, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, और इंजन आपको अगेन नॉइस थोड़ा आपको ना थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, इसलिए टाटा कहता है कि हम लोग अच्छा सिस्टम देते हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और थोड़ा खड़खड़ आई डोंट नो इसी गाड़ी में या फिर टाटा में जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा खड़खड़, लेकिन अगर इसमें हो रहा है नई गाड़ी, अगर इसी गाड़ी में कोई इश्यू है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर और गाड़ी में भी यही खड़खड़ बजता है दरवाजे का साइड का तो थोड़ा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इतनी नई गाड़ी में खड़खड़ हो रहा था, पुरानी होने के बाद ज़रा परेशान करेगी आपको। हालांकि मुझे लगता है कंप्लीट पैकेज हो सकता है, लेकिन ये जब प्राइस रिवील होगा ना उसके बाद ही आप एक फाइनल जजमेंट या फिर इसको एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर ये प्राइस वो लोग 40 से 80 के बीच स्टार्टिंग प्राइस देते हैं ना, तो फिर मज़ा आने वाला है, आप लोग कहोगे कि हाँ लेना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ता है, 6 से ऊपर जाता है, थोड़ा सा लगेगा यार थोड़ा प्राइस ही, अगर उससे ज़्यादा ऊपर होता है ना तो अनबेरेबल हो जाएगा, आप कहोगे यार नहीं। अल्ट्रोस का सबसे बड़ा लोग का इशू एक मेंटली भी हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं कि गाड़ी तो ले ली मैंने, जो ग्राउंड क्लियरेंस है कम है, अगर कभी लग गई कुछ हो गया तो ये जो 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 कन्फ्यूजन है ना ये ख़त्म कर देता है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है ना, ये पहाड़ों पे कच्चे रोडों पे आप इसको बेझिझक ले जा सकते हो। तो हो सकता है अल्ट्रोज वाले वो जो कस्टमर है ना यहाँ पे शिफ्ट हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग का रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोग पूछते हो कि टियागो लेना चाहिए या फिर आपको अल्ट्रोज लेना चाहिए, तो मैंने सबको बोला था वेट कर लो, कुछ समय की बात है, जब अल्ट्रोज जो पंच लॉन्च होगी तब डिसाइड करना। तो बहुतों का मन बदलने वाला मेरे हिसाब से, देखो सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से टियागो का मार्केट काफ़ी खाएगी। ये मैं एक नंबर देता हूँ परसेंटेज, अगेन ये सबका अलग हो सकता है, ये अगर 70% हो सकता है टियागो का मार्केट खा जाए, सिर्फ टाटा की कंपटीशन में बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं कर रहा हूँ, और 30% अल्ट्रोज का मार्केट खा सकती है, गाड़ी बहुत फैंटास्टिक होने वाली है। और हो सकता है कि नियोस और टियागो का भी काम कर दे लेट्स सी कि क्या होता है। ये था एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू, एंड मैं तो कहूँगा कि यार किसी को अगर लेनी है तो इसको पिक कर सकता है 101% इस प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होती है वो देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार लुक देखोगे ना गाड़ी का आपको प्यार हो जाएगा, तो आप लोग कंसीडर जरूर कर सकते हैं। गाड़ी चलाने में ओके ही है, मतलब मज़ा आएगा आपको, बहुत ऐसा नहीं लगता कि लैकी है, जितना प्राइस पैसे दोगे तो उतना ही मक्खन मिलेगा, तो ठीक चलती है गाड़ी, का लुक भी अच्छा है, सेफ्टी भी है। तो यही है एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू, और अब AMT चलाने वाले हम लोग, उसके बाद आप लोगों से शेयर करते हैं AMT का एक्सपीरियंस कैसा है, हो सकता है सिमिलर टू टियागो हो, जो भी हो आप लोग को शेयर करते हैं। मिलते हैं AMT के रिव्यू के साथ आपसे दोबारा, तब तक टेक केयर, सब बी हम्बल, बी फ्लाइट, एंड बाय बाय, थैंक यू।